कनाडा और भारत का ये तनाव है ये पूरी दुनिया में सुर्खियों में। कनाडा ये चाहता है कि अमेरिका और यूरोप इत्यादि उसके साथ खड़े हों इस मुद्दे को लेकर के। ट्रूडो दुनिया को ये दिखा रहा है, खासकर अमेरिका को और फाइव आईज को, कि भारत एक चुनौती बन गया है हमारे वेस्टर्न डोमिनेंस के लिए। तो ये खेल एक तरह से कनाडा धकेल रहा है वेस्ट वर्सेस इंडिया। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले के बाद से भारत में इस हमले को लेकर काफी आक्रोश है। भारत में इस हमले को लेकर अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले को लेकर अब वहां के हिंदू खुद सड़कों पर उतर आए हैं। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग खालिस्तान समर्थकों के हमले के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस दौरान हिंदुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान खालिस्तान मुर्दाबाद और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदुओं की भीड़ इकट्ठा हुई और खालिस्तान समर्थकों के हमले को लेकर अपना विरोध जताया गया। इस दौरान पहुंचे हिंदू समुदाय के लोगों ने इस हमले को लेकर आक्रोश जाहिर किया और खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग उठाई। आज हम यहाँ पे हिंदू सभा मंदिर में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। जो कल ये घटना हुई, खालिस्तान के जो लोग थे उन्होंने अटैक किया मंदिर के डिवोटीज पे, और यहाँ आके जो लोग मंदिर में आना चाहते थे डिसरप्ट किया जो मंदिर की रेगुलर फंक्शनिंग थी। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और ये घटनाएं जो हैं कनाडा में वो लगातार बढ़ रही हैं, और हिंदू कम्युनिटी में बड़ी बेचैनी है और असुरक्षा की जो भावना है वो पाई जा रही है, क्योंकि जो अथॉरिटीज हैं वो हिंदू कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने में और जो सोशल सिक्योरिटी है उसका आश्वासन देने में पूरी तरह से असफल रही हैं, और हिंदू जो हैं वो अपने आप को सेकंड क्लास सिटीजन फील कर रहा है कि इस कंट्री में हमको एक अलग तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। एक सेक्शन है उसको अलग तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उसका कारण कहीं ना कहीं हिंदुओं का वोकल ना होना या एक पॉलिटिकल फोर्स ना होना, वो भी हो सकता है। बट अब ये लगता है कि हिंदू अब नहीं जागेगा तो कभी नहीं जागेगा। जैसे कि यहाँ बड़ी भारी संख्या में लोग जो हैं वो आज इकट्ठा हुए हैं, जो इस बात का प्रूफ है कि एनफ इज एनफ, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। बट कैनेडियन अथॉरिटीज को चाहिए कि जो लोगों का ये विश्वास जो कनाडा की अथॉरिटीज में से गुम हो रहा है उसको बहाल करने की जरूरत है। पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के कनाडा को एक बेहतर जो कंट्री था उसको दोबारा रिस्टोर करने की तरफ बढ़ना चाहिए। जय श्री राम। आज यहाँ पर एक चीज तो साफ हो गई है कि कनाडा हमारी जान है और हिंदुस्तान में हमारी जान बसती है। हिंदू कैनेडियंस कनाडा के बहुत लॉयल हैं, और हिंदू कैनेडियंस के साथ जो भी कनाडा में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। ये समय आ गया है कि सब पॉलिटिशियंस यहाँ पे इस बात को जान लें कि हिंदू कैनेडियंस के साथ जो भी हो रहा है वो गलत है, और आज जो कुछ भी हुआ है वो सब उन सबकी वजह से हुआ है, क्योंकि जिन्होंने हिंदू कैनेडियंस को कभी समझा नहीं, समझने की कोशिश नहीं की, उन्हें दरनिकार कर दिया। आज सब जागे हैं, और जैसा कि अभी यहाँ सब लोग बोल रहे थे, ये शुरुआत है, इसको एक इंसिडेंस ना समझें। जो भी हुआ उसने जगाया है, झंझकोर दिया है हर हिंदू को यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि कनाडा हिंदुओं को अच्छे से ट्रीट करे, क्योंकि कनाडा के लिए हिंदूज बहुत ज़रूरी हैं। हिंदू वो लॉयल रियल कैनेडियंस हैं जो कनाडा का भी भला चाहते हैं, और जहां से आए हैं हिंदुस्तान उसका भी भला चाहते हैं, और चाहते हैं कि हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्ते मजबूत हों। और जो भी ये लोग हैं जो ये सब नहीं चाहते, हम सिर्फ उनके खिलाफ हैं, क्योंकि वो सिर्फ हिंदुस्तान या हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, वो कनाडा के खिलाफ हैं, और वो कनाडा के लिए गलत कर रहे हैं, कनाडा का नुकसान कर रहे हैं। कनाडा में हिंदू हमले को लेकर एक्सपर्ट्स भी गहरी साजिश की बात कह रहे हैं।
उनका मानना है कि कनाडा में हिंदुओं पर हमले के पीछे कनाडा की सरकार की सोची समझी साजिश हो सकती है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कहा है बहुत एप्ट कहा है। पहली बात, मोदी जी ज्यादा टिप्पणी नहीं देते, तो इस समय कनाडा भारत के रिश्तों में जिस तरह के तनाव आ रहे हैं उसके भी अलग, जिस तरह से कनाडा के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खबरें जो आ रही हैं, वो चिंता वाली बात है, तभी प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर तो डिप्लोमेटिक शब्दों में कह रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये चिंता का विषय है। पर एक आम ऑब्जर्वर हमारे जैसे तो ये कह सकता है कि जो कनाडा में हो रहा है दिख रहा है कि कनाडा की अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल इंटेलिजेंस, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं, वो इफेक्टिव नहीं है। अगर कैनेडियन सरकार, कोई भी सरकार नहीं चाहती अपने देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो, कैनेडियन सरकार अगर वो नहीं कर पा रही है, दैट मीन्स कैनेडियन सरकार इनइफेक्टिव प्रूव हो रही है, या फिर कैनेडियन सरकार की कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जो अनदेखा कर रही हैं जो उनकी सरकार चाहती है, क्योंकि हर सरकार तो शांति चाहती है। तो कनाडा के अंदर कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है, दिखता है उनकी सरकार, उनकी लॉ एंड ऑर्डर, उनके सिक्योरिटी अपैरेटस में। भारत क्लियरली अपना विचार रख रहा है जो हमें दिख रहा है, क्योंकि कनाडा और भारत का ये जो तनाव है ये पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। अब ऐसे में कनाडा का जो प्रयास चल रहा है, कनाडा क्या कर रहा है, भारत को बदनाम करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहा है। वो वर्ल्ड मीडिया में अपना पक्ष रख रहा है जो कि इंटेलिजेंस पे बेस्ड नहीं है। कैनेडियन सरकार खुद एक्नॉलेज कर चुकी है अपने एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी में। कैनेडा ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि भारत वेस्टर्न लेड ऑर्डर, यानी कि अमेरिका यूरोप का जो ऑर्डर है डोमिनेटेड, कि इंडिया उसके लिए खतरा बन रहा है, क्योंकि कनाडा ये चाहता है कि अमेरिका और यूरोप इत्यादि उसके साथ खड़े हों इस मुद्दे को लेकर के। ऐसे में कनाडा भारत के खिलाफ दुनिया में प्रोपेगेंडा चला रहा है, अपनी कमियों को छुपा रहा है, अपनी फेलियर्स ऑफ इंटेलिजेंस, चाइनीज इन्फ्लुएंस करा उनकी 2019 और 21 की इलेक्शन को जिसमें ट्रूडो की सरकार जीती और कंजर्वेटिव हारे, उसका बहुत बड़ा स्कैंडल है, ट्रूडो की लीडरशिप का फेलियर है। ट्रूडो उस सारे फेलियर से अटेंशन डाइवर्ट करने को, डिस्ट्रैक्ट करने को भारत के प्रति अपना अटेंशन फोकस कर रहा है और दुनिया को ये दिखा रहा है, खासकर अमेरिका को और फाइव आईज को, कि भारत एक चुनौती बन गया है हमारे वेस्टर्न डोमिनेंस के लिए। सर, क्या आपको लगता है कि जो हरकतें कनाडा में इंडियंस के अगेंस्ट हो रहा है, हालांकि कनाडा हमारा पड़ोसी देश नहीं है लाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान जो हमारे साथ करता आ रहा था अब वो जगह कनाडा ले लिया है। देखिए, कनाडा जिस तरह से कर रहा है, यस, कनाडा और पाकिस्तान में बहुत बड़ा अंतर है। पाकिस्तान तो मेरे विचार से भारत के लिए एक बहुत ही छुटमुट प्लेयर है, हमें उसकी चिंता ही नहीं करनी चाहिए। कनाडा भी एक अच्छा प्लेयर है, बट वर्ल्ड थिएटर पे कनाडा जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार कर रहा है ये चिंता का विषय है, क्योंकि कनाडा केवल यही नहीं कि कनाडा और भारत के रिश्तों को बिगाड़ रहा है, कनाडा का प्रयास यह चल रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज के रिश्ते, यानी कि अमेरिका और यूरोप के रिश्ते भारत के साथ बिगड़े। वो ये दिखाना चाहता है अपने सहयोगी देशों को, यूरोपियन देशों को, कि भारत इमर्जिंग पावर है, साइबर, जैसे वो कह रहा है कि साइबर कैपेबिलिटीज भारत बना रहा है। भाई, हर देश करता है। क्या कनाडा के पास साइबर कैपेबिलिटीज नहीं है? क्या अमेरिका के पास नहीं है? क्या ये देश साइबर सर्वेलेंस नहीं करते? अब इनको परेशानी ये हो रही है कि एक नया उभरता हुआ सितारा, आप कह लीजिए, उसके पास भी ये कैपेबिलिटीज आ रही हैं जिसके चलते हम उनको चैलेंज या क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये खेल एक तरह से कनाडा धकेल रहा है, वेस्ट वर्सेस इंडिया।